हे व्हाट्सअप इट इज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत सभी के एक और नए वीडियो पे। सो गाइस, आप लोग जब भी रैंक पुशिंग करते हो उस टाइम आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जब भी आप लोग मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हो तो आपका ज़्यादा प्लस होता है, एंड जैसे आप लोग कुछ खराब परफॉर्मेंस देते हो जल्दी मर जाते हो तो आपका जो बहुत गंदा वाला माइनस लगता है, ठीक है। जितना दो मैच में मिला जुला के प्लस हुआ उसका माइनस आपको एक ही मैच में देखने को मिल जाता है। अब ये वाली वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने प्लस पॉइंट्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। जो प्लस होता है ना, जैसे मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने के बाद आपका जो प्लस होता है वो प्लस कैसे आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैं स्पेशल ट्रिक लेकर आया हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी आखिर तक जरूर से देखना, एंड पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। चलो आज का वीडियो को शुरू करते हैं। अभी यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से प्लस पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बंदे का पहले वीडियोज़ दिखा दूँ जो मैंने रिकॉर्ड करा अभी। अब पहली बात, ये रिकॉर्डिंग मेरा नहीं है, मेरी आईडी का नहीं है, तो ये कॉन्कर वाले बंदे का मैंने दिखाया कि इस टाइप से प्लस पॉइंट आप लोग कैसे कर सकते हो, ठीक है। वो भी कॉन्कर बेसिस पे, चाहे आप लोग कोई सा भी लीग वगैरह पे हो, आपका प्लस पॉइंट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक बिना स्किप कर देखना क्योंकि इस पर जितने पॉइंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। सो प्लीज़ बिना स्किप कर लास्ट तक जरूर से देखना। अब देखो, पहली बात आती है सर्वाइवर रेटिंग, ठीक है। जो मेन आपका प्लस पॉइंट होता है, जो आपका प्लस होता है, वो आप होता है आपका सर्वाइवर रेटिंग से। जितना ज़्यादा आप लोग गेम में सर्वाइव करेगा उतना ज़्यादा आपका प्लस पॉइंट होगा यहाँ पर। सो बेसिकली स्टार्टिंग करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सर्वाइवर रेटिंग जो होता है उस पर आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करनी है टॉप 3 तक आने की, क्योंकि टॉप 10 तक बंदे इजीली आ जाते हैं एंड उस पर उतना ज़्यादा प्लस नहीं होता। बट अगर आप लोग टॉप 3, टॉप 2, टॉप 1 पे अगर आ जाते हो तो आपका प्लस ही प्लस है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान पे रख के खेलना पड़ेगा कि कुछ भी करो आप स्टार्टिंग में फाइट ना लो तो बेटर है, क्योंकि स्टार्टिंग में फाइट लेने से आपको माइनस ही देखने को मिलेगा, प्लस तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हो सके तो स्टार्टिंग में हॉट ड्रॉप से बिल्कुल ही मत जाओ। ऐसे जगह पर होता है जहाँ आपको लूट अच्छी खासी मिल जाए, थोड़े बहुत बंदे हैं जहाँ पर KD वगैरह मेंटेन हो जाए, इसीलिए आप लोग रश वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बट स्टार्टिंग में हॉट ड्रॉप अवॉइड करो एंड कोशिश करो कि टॉप 3, टॉप 2 या फिर टॉप 1 में, क्योंकि इस टाइम अगर मतलब इस पोजीशन पर अगर आप लोग आ जाते हो तो आपका जो प्लस पॉइंट है बहुत ज़्यादा प्लस हो जाता है। एंड सिर्फ मतलब टॉप 1, टॉप 2 पे आने से नहीं होता, और भी कुछ बातें होती है, ठीक है। तो मैं सारे सीरियल वाइज बता रहा हूँ। अब देखो, ये तो आपको काम करना है टॉप 3 तक आपको आना ही, ठीक है। किसी भी हालत में, चाहे कैंपिंग करो, कहीं पर घर पे बैठे रहो, पूरी स्क्वाड के साथ मुंजरा वगैरह कुछ भी करना कर लेना, तो ये आप लोगों को करना ही है। अब सेकंड चीज़ जो आती है वो है जोन का डैमेज, ठीक है। अब जोन का डैमेज से क्या होगा देखना, आप जब भी मैच खेलोगे ख़त्म होगा तो वहाँ पर अब कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, सर्वाइवर रेटिंग में इतने प्लस हुए, किल रेटिंग में इतने प्लस हुए, तो वहाँ पर जब आपका सर्वाइवर रेटिंग काउंट होता है तो वहाँ पर आपको मतलब जो आपका जोन का डैमेज है ना उससे कंपेयर करा जाता है, ठीक है। उससे आपका सर्वाइवर रेटिंग इंक्रीज होता है। अब देखो, जोन का डैमेज लेने से कुछ फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे आपका प्लस तो होगा ही, साथ ही साथ प्लस इससे और ज़्यादा तब होता है जब आप लोग जोन का डैमेज लेते हो, आपके पास डैमेज है, फिर जब आप लोग हीलिंग वगैरह करते हो तो उससे आपका बहुत ज़्यादा प्लस होता है। क्योंकि कभी कभार देखते हो कि आपने बहुत ज़्यादा किल करा, डैमेज करा, बट सामने वाला बंदा जो है उसका किल उतना खासा नहीं है, बट उसने जो हीलिंग वगैरह करा है वो बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है, जिसके मतलब उसे MPV मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे बंदों को कभी कभार ज़्यादा प्लस हो जाता है, कभी कम प्लस हो जाता है, यही सीन है, ठीक है। तो जोन का डैमेज लो, जोन का डैमेज लेने के बाद हीलिंग्स वगैरह करो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्लस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब एक और बात आती है सर्वाइवल के अंदर पे, वो है रिवाइविंग, ठीक है। अब देखो, आपको अपने टीममेट्स को रिवाइव देना होता है, आप एनिमिक्स को रिवाइव नहीं दे सकते हो, ठीक है। सो रिवाइव देने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइव दोगे उस पर भी आपका सर्वाइवल रेटिंग बहुत इंक्रीज़ होता है। एंड बाई चांस अगर आपके टीममेट नॉक नहीं होते तो आपके पास भाई नेट तो है ही ना, नेट फोड़ो, RPG फोड़ो, एंड टीममेट को सीधा नॉक करो एंड फिर हाथ लगा दो, ठीक है। तो ये करो, इससे भी आपका सर्वाइवल रेटिंग बहुत ज़्यादा प्लस होता है। अब ये मत बोलना कि भाई तुम ऐसे बोल रहे हो, भाई देखना, कभी ट्राई करके देखना, एक मैच करके देखना, जो जो मैं बता रहा हूँ साइड फॉलो करके देखना, प्लस पॉइंट्स देखना, ठीक है, अदर्स मैच के कंपेटेबल में। सो आके मुझे उस टाइम बताना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करना। एंड एक और चीज़ है किल रेटिंग, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग देखना, किल रेटिंग भी आता है, ठीक है। अब किल रेटिंग में बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई मेरा किल तो टीममेट चुरा लेते हैं, भाई इसका क्या करें। भाई देखो, सिंपल सीधा साधा सॉल्यूशन है, नेड़ हाथ पे लो, कुक करो एंड सीधा बंदे को मुंह पे फेंको, ठीक है। जो आपका टीममेट है, जो आपके सारे किल चुरा रहा है, उसे नेट से फोड़ो, उसे लॉबी वापस भेजो। तो ये सारे काम करो एंड मैच को थोड़ा सेफली खेलो, टॉप 3 तक आने की कोशिश करो। टॉप 1 आ जाए तो बहुत ज़्यादा प्लस बेटर होगा ही, साथ साथ किल पे भी ध्यान दो, क्योंकि किल अगर नहीं होंगे तो आपका जो किल रेटिंग है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। सर्वाइवर रेटिंग के तरह मैंने बता दिया, जोन का डैमेज लो, फिर रिवाइव वगैरह दो एंड हीलिंग्स वगैरह भी करो, ठीक है। हीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हीलिंग्स भी आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है रैंक पुश करने में या फिर प्लस पॉइंट करने में, ठीक है। तो ये बातें भी ध्यान में ज़रूर से रखना।
सो बस यही सारी चीज़ें फॉलो करो, ठीक है। एक भी चीज़ को मिस मत करना, बस एक बार वीडियो देख लो, अगर ना समझ आए दोबारा देख लो, बस याद कर लो ये चीज़ को। एंड जब भी मैच वगैरह खेलो ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना कि टॉप 3 तक आना है किसी भी हालात में, ये सारी चीज़ करनी है। तो इजीली जो आपका प्लस पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, नॉर्मल से 100 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। एंड ईजिली आप लोग मतलब कोई भी लीग वगैरह में पुश कर सकते हो, कोई भी टीयर वगैरह में, ठीक है। सो ऑल राइट, इस वाले वीडियो के लिए बस इतना है। आई होप आपसे कोई वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल फर्स्ट सब्सक्राइब उसे कर देना, एंड हो सके तो वीडियो को फ्रेंड्स का शेयर उसे कर देना, ठीक है, ताकि वो लोग भी अपना रैंक वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ऑल राइट, तो चलो मिलते हैं अगली एक और नई अमेजिंग वीडियो पे। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।